अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्त। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की जो जांच होती है वो किस तरह से, उस जांच को किस तरह से करते हैं। तो सबसे सैंपल लेंगे जो कि हमारे पास में ये है। अब दोस्तों इसको हम सेंट्रीफ्यूज में इसको घुमाएंगे, इसको इधर रख देते हैं दोस्तों। अब हम सेंट्रीफ्यूज को चालू करते हैं। देखा दोस्तों, इधर रख देते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है माइक्रो पीपेट, ये वाला। इसको अब हम मिलाएंगे 500 पे, जो रिजेंट लेंगे हम 500 लेंगे। ये हो गया। अब दोस्तों इसमें लगाते हैं रिजेंट, ये वाला। इसमें से हम लेंगे पान। अब दोस्तों हम लेंगे प्लेन शीशे की ट्यूब, जो कि हमारे पास में ये रही। इसमें इसको डाल देंगे, ये हमने इसको डाल दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों हम लेंगे 10 माइक्रो एमएल सीरम, जो हमने इसको दोस्तों इसमें डालेंगे, ऐसा डालेंगे जो दोस्तों पूरा चला जाए। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आ जाता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको हम 5 मिनट का टाइम लगा लेंगे। ये हमारे पास में दोस्तों वाटर है, इसको इसमें डालेंगे। अब हम इसको मशीन के लिए पिला देंगे। कैसे पिलाएंगे? ये जो नली दिख रही है इसमें हम इसको लगा देंगे, इसको हम ओके कर देंगे। ये हमने पानी पिला दिया, टी देन कर दी, ये समझो अब ये रेडी है मशीन। अब 5 मिनट बाद हम सैंपल लगाएंगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हल्का हल्का सा रेड हो रहा है। तो मैं आने वाली वीडियो में सारी जानकारी दूंगा ये टेस्ट क्यों किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हम तक ज़रूर भेजें। देखते हैं दोस्तों, 5 मिनट हमारा हो चुके हैं। अब हम हमारा जो सैंपल है वो रेडी है। करेंगे देखते हैं दोस्तों कि जो प्रिंट होता है वो कैसे निकल जाता है। ये इसमें ऑप्शन दिख रहा है मशीन के अंदर। अब हम इस प्रिंट ओके करेंगे, मशीन ने प्रिंट दे दिया। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल आया है दोस्तों 212.7 आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन का घंटा है इसको ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पता चल जाए। और अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में अपनी समस्या डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको आने वाली वीडियो में उस कमेंट का समाधान दे सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।